एथर ग्रिड के पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे, तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ से हम लोग की चार्जिंग चालू है, बिल्कुल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ चार्ज करते वक्त। तो ऐसे पूना में करीब 14 एथर ग्रिड पॉइंट्स ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, जहाँ पे आप ना ही एथर की गाड़ियाँ लेकिन बाकी दूसरी गाड़ियाँ भी आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 एम्पियर का एक सॉकेट है, और ये 15 एम्पियर का सॉकेट आप चाहे अपनी E2O या नेक्सॉन या जो भी गाड़ी जो 15 एम्पियर पे चलती है उसको आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। हाँ, आपका एथर ऐप होना ज़रूरी है आपके फ़ोन पे, नहीं तो ये चार्जिंग चालू नहीं होगी। तो इस समय अभी हमने स्कूटर चार्ज करने के लिए रखा है, करीब 10 मिनट के आसपास हो गए होंगे, और हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर रेंज हमको मिल चुका है। कंपनी का ये कहना है कि आप जब तक चाय पी के आएंगे तब तक आपको 10-15 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा, जो कि फिर आगे आपको जाने के लिए काफ़ी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ एथर के बारे में ये है, स्कूटर के बारे में, कि ये जो सॉकेट है, अगर आपका चार्जिंग ऑन है तो आप इसको निकाल नहीं सकते, ये लॉक हो चुका है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि समझो आप कोई सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बच्चे ऑब्वियसली आपको पता है नटखट होते हैं, आपका चार्जर निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये इस पर्टिकुलर चार्जर के साथ नहीं हो सकता है। ये एथर की खासियत है। तो आपने अभी जो चार्जर देखा वो एक स्टैंड अलोन, मतलब जो फिक्स चार्जर है, वॉल फिक्स चार्जर कह सकते हैं जिसको। एथर एक आपको ऐसा वॉल चार्जर या डॉट चार्जर वो लोग कहते हैं उसको, आपके घर पे लगा के देता है। लेकिन कई बार आदमी को लगता है कि साथ में चार्जर होना ज़रूरी है, जैसे आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं और कहाँ चार्जिंग मिलेगी आपको पता नहीं है, तो उसके लिए एक ट्रैवल चार्जर भी दिया हुआ है। तो इसमें नॉर्मली कोई भी 15 एम्पियर के सॉकेट में आप कनेक्ट कर सकते हो, और ये वाला जो हैंड आपके स्कूटर में चले जाएगा। जो है कंपनी स्कूटर के साथ दे नहीं रही है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। हमें पता चला है, डीलर ने हमें कहा है कि करीब रफ्टी 11,000 रुपये लगते हैं ये ट्रैवल चार्जर के लिए। एक ऑप्शन है कि अगर आप डॉट चार्जर नहीं लेना चाहते हैं तो ये आपको फिर एज अ सब्स्टिट्यूट फ्री मिल सकता है। ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है एथर का। कई लोग को एक गलत फहमी है कि पब्लिक चार्जिंग जो स्टेशन होता है इलेक्ट्रिक का, वो एक पेट्रोल पंप की तरह होता है। एथर ने जानबूझ के जो भी चार्जिंग स्टेशन रखे हैं वो ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ पे आप ये आधा घंटा एक घंटा जो भी है, कोई मॉल में या कोई रेस्टोरेंट में जा करके चाय पी करके आप अपना टाइम पास करके वापस आ सकते हैं। आप खड़े खड़े उसको चार्ज नहीं करा सकते, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए जब आप कोई भी चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब आप देखेंगे कि नॉर्मल जो चार्जिंग के लिए वायर होती है वो काफी पतली सी होती है, जो हम लोग 230 वोल्ट की वायर बोलते हैं। ये वाली जो वायर है ये काफी मोटी है, और इसका एक वजह है क्योंकि नॉर्मली आपका जो चार्जर है वो 1 किलोवाट, आधा किलोवाट का चार्जर रहता है, और यहाँ पे जो है फास्ट चार्जिंग के टाइम में आपको 4 गुना 5 गुना उसका पावर रेटिंग बढ़ जाती है।
अब पावर रेटिंग अगर 4 गुना 5 गुना बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ जाएगा, और कोई भी वायर का हमको जानते हैं कि जो थिकनेस है वो करंट पे निर्भर होती है। अगर आपका करंट कम है तो वायर पतली होगी, अगर करंट ज़्यादा है तो वायर मोटी होगी। तो ये है ये मोटापन का इसका राज। तो यहाँ सब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उस चार्जिंग स्टेशन का यहाँ पे बना हुआ है। तो आप देख रहे हो एक्सीकॉम नाम की कंपनी है जिसने पूरा का पूरा सेटअप बनाया हुआ है। आपको ये ग्रीन एलईडी यहाँ पे ऑन दिख रही है, इसका मतलब चार्जिंग चल रहा है, राइट। अगर समझो कुछ खराब हो गया तो यहाँ पे फॉल्ट का एक इंडिकेशन आएगा। तो ये जो है आपका मेन से सप्लाई खींच रहा है, ज्यादा करके 230 वोल्ट ले रहा होगा क्योंकि कोई भी थ्री फेज कनेक्शन होगा, क्योंकि ज्यादा पावर जब भी आपको चाहिए तो आप तीनों फेज का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल फेज में आपका लोड इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपका थ्री फेज कनेक्शन मोस्ट ऑफली अंदर से यहाँ आ रहा है और ये फिर आपके पॉइंट तक यहाँ पे जा रहा है, जिसके वजह से इसके बाद में गाड़ी में कनेक्शन हो रहा है। तो हम लोग करीब 20 मिनट पहले आए हैं अभी। शुरुआत में हम लोग का जो चार्जिंग था 76% पे था, अभी रफली 96% पे आ गया। तो रफली आप समझ लो 20% चार्ज हो गया 20 मिनट में। अभी एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो चार्जिंग की स्पीड है, जैसे जैसे 100% की तरफ आती है वो स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। शुरुआत में चार्जिंग बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, आप लोग ने मोबाइल में भी देखा होगा, पहले 50% बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, लेकिन आखिरी का जो 50% है या आखिरी का 10% 20% उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो रफली हमें उम्मीद है कि 1 घंटे में पूरा चार्ज हो जाएगा। ये हम लोग को इसको चार्ज करने के लिए इथर ऐप की ज़रूरत नहीं लगी। कारण ये कि 31 मार्च 2021 तक एथर ने सारे ऑल इंडिया चार्जिंग स्टेशंस फ्री रखे हुए हैं, तो जो भी बिजली का खर्चा है आज का वो एथर आपके लिए दे रही है। तो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स पता नहीं नई पॉलिसी क्या होगी, लेकिन उम्मीद है कि आपके पास में ऐप होना ज़रूरी होगा, और ऐप होने के बाद में जो भी बिल आएगा वो आपके अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड से या जो भी है कट जाएगा। अगर आप अपनी दूसरी कोई एथर को छोड़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे चार्ज करना चाहते हो तो ये आपको यहाँ पे QR कोड है वो आपको स्कैन करना है। एथर का ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए। यहाँ पे आपने इस ढक्कन को खोला, अंदर अपना प्लग पॉइंट लगाया, यहीं प्लग पॉइंट पे आप 5 एम्पियर और 15 एम्पियर दोनों लगा सकते हैं। गाड़ी को कनेक्ट किया और आपने ऑप्शन चूज़ किया कि कितने टाइम के लिए आप चार्ज ना करना चाहते हो, रफली 50 रुपये घंटे का रेट लगा रही है कंपनी, और उसके बाद में चार्जिंग शुरू हो जाता है 25 फॉर हाफ एन आवर 50 रुपये घंटा।